एवरीवन, आई एम इबादुर रहमान एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 6 नेम चैप्टर नेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज एंड देयर कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन. हियर लुक हियर फोर क्वांटिटीज. मैं ज़ूम इट. ओके. Now four quantities A, B, C, D are said to be proportion if A is to B is equal to C is to D. That is when A upon B is equal to C upon D. Means ratio of two quantities are equal, then we can say that all four quantities are proportional, where A and D are called extreme terms. ठीक है. ए एंड डी मीन्स जो जो बाहर हैं. एक्सट्रीम टर्म कौन कौन से हो गए? ए एंड डी. और जो बी एंड सी हैं ये दोनों कहलाते हैं आपके मीन्स टर्म. क्लियर. डी क्या कहलाएगा? डी एज ए फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए. तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं. इसी तरीके का एक टॉपिक आपका क्लास 6 और 7th में है. उसका लिंक, वीडियो का लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे. आप वहाँ से उस वीडियो को चाहिएगा तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मिल जाएगा. हम लोगों ने 6th, 7th, 8th में टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें शॉर्टकट रहेंगी. जो आपके लेवल पे वो एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है. सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है, व्हेन फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन. सपोज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, यू कैन से दैट ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी. आर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये रिलेशन बनेगा. तो ए एंड डी कौन चीज़ है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म. सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्लियर. तो इस एक फॉर्मूले का अभी इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे 6.1 में. एंड 6.A में ये फार्मूला यूज़ होगा और 6.BC में जो होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे. एक टॉपिक और इसी पेज पे आता है, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन. कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का मतलब, सपोज कर लीजिए ए बी सी डी आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, तो जो रेशियो ए का बी से हो वही रेशियो बी का सी से हो, वही रेशियो सी का डी से हो, वही रेशियो आगे के सारे टर्म को, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके? कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शनल कहलाएंगे. सपोज ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन व्हेन ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी अपॉन डी एंड सो ऑन. इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शनल, सपोज ए बी सी, देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी. ए अपॉन बी इज, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी. क्लियर. नाउ अब जरा से देखिएगा, अगर से कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी. बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. मीन्स बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी. द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मीन. अब यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? ए एंड सी. एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? बी स्क्वायर. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सॉरी, स्क्वायर ऑफ मीन. या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन कह लेते तो भी आपका रिजल्ट हो जाता. क्लियर. अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर कोई होगा उससे रिलेटेड, अदरवाइज एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है. ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए 6 इज टू एक्स प्रोपोर्शनल टू 3x to 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो सिंपली कौन सा लगाना है रूल? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन्स 6 × 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3. ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. 6 × 15 इज इक्वल टू 3 × x. यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 30. तो बेसिक यही एक टॉपिक हम लोग अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनदर फार्मूले को या उसके मेथड को डिस्कस किया जाएगा. लेट्स सी स्टार्ट एक्सरसाइज 6A. सभी तरीके के एग्जाम्पल देख डालिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक के. तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी रहते हैं. तो प्रैक्टिस के लिए तो एक्सरसाइज लगानी है, लेकिन एग्जाम्पल को मिस नहीं करिएगा. ओके. ये हो गए सारे क्वेश्चन आपके. अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो तो आप यहाँ से कुछ काम चला लीजिए जब तक आपके पास बुक नहीं आती है. आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस. जूम कर लेते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस. 8 is to 14 प्रोपोर्शनल टू एक्स इज टू 28. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन अप्लाई कर देंगे. फॉर्मूला सेम होगा. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स जो बाहर बाहर के टर्म है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड.
थर्ड इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी एक्स की। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आपको आपके फर्स्ट एग्जाम्पल की तरीके से। आइए पार्ट फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करके देखा जाता है। ओके ये आपको फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन को इक्वेट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 14 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। बाकी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 14 ये तो सीधा सीधा है 28, सो 16 एक्स इज इक्वल टू 16 एज ए आंसर। क्लियर? सो ट्राई टू सॉल्व रेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, थ्री नंबर्स आर गिवन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन मीन्स सपोज फोर्थ प्रपोर्शन भी एक्स, तो यहाँ पर एक्स आएगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा आपका, अगर से वो कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है तो कितना हो जाएगा 25:15:40:x। अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्स सपोज कर लें तो 25:x:15:40 इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम इसका सॉल्व कर देते हैं थर्ड पार्ट आप, या सेकंड देख लेते हैं उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, फर्स्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है, 3a² b² a³ b³ एंड फोर्थ प्रोपोर्शन को सपोज कर लेते हैं x। लेट अस सपोज दैट फोर्थ प्रपोर्शन बी एक्स। ओके सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, लेट अस सपोज दैट फोर्थ प्रपोर्शनल बी एक्स। तो ये फोर नंबर हो गए, अगर से ये प्रपोर्शनल है तो आप ऐसे लिखिएगा 3a² b² a³ b³ x। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो 3a² b² x इज इक्वल टू a³ b³। ओके सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू a³ + b³ अपॉन 3a² b² सो सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन ab/3 एज ए आंसर। क्लियर? नाउ सेम एज इन थर्ड पार्ट, सपोज फोर्थ प्रपोर्शन भी x, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं एज ए x। तो देखिए बनेगा क्या आपका, तो ये आपके फोर नंबर हो जाएंगे जो प्रपोर्शनल है। पहला क्या a² - 5a+6, सेकेंड a² + a-6, थर्ड a² - 9 एंड लास्ट x जो आपको सपोज किया आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। अगर ये प्रपोर्शनल होंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, 5a+6 सेकेंड टर्म a² + a-6 इज इक्वल टू a² - 9 x। अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स a² - 5a+6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू a² + a-6 मल्टीप्लाइड बाई मीन्स टर्म a² - 9। क्लियर? सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा a+3 a-2। फैक्टराइजेशन इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे a² - 3² का फॉर्मूला लग जाएगा, a-3 and a+3, ये हो गए। अच्छा डिवाइड आप इससे करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a-2 a+3 ये सारी वैल्यूज आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ये वैल्यू मालूम हो जाएगी a² + x-6 = a+3 a-2 एंड a² - 9 = a-3 a+3। अगर से फैक्टराइजेशन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फैक्टराइजेशन के चैप्टर को वॉच करिए, वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करिए, तभी इस टॉपिक पे आइएगा, क्योंकि विदाउट फैक्टराइजेशन ये चैप्टर नहीं लग सकता है। ओके कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दें, a-2 cancel with a-3 सो x इज इक्वल टू a+3 होल स्क्वायर। आपका ये भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए,
ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 ए, ये भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करेगा आप किस फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं, दोनों आंसर एक्सेप्ट होगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए और उम्मीद है कि आपको रिजल्ट उसका सही मिल जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। अब देखिए जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन था तो लास्ट में आपने एक्स सपोज किया, थर्ड प्रपोजिशन होगा तो यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पर एक्स सपोज कर देंगे। अगर से कोई भी थ्री नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूट प्रपोजनल देन रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकेंड इज टू थर्ड, ऐसे होगा, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड का जो रेशियो होगा वही रेशियो सेकेंड एंड थर्ड का होगा। तो थर्ड टर्म हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में एक्स दिया गया वहाँ पर एक्स मत सपोज करिएगा क्योंकि वो कैलकुलेशन फिर आप कर ही नहीं पाओगे, तो वहाँ पर कोई और अल्फ़ाबेट हम सपोज कर लेंगे, कोई कांस्टेंट जैसे पी एल एम कुछ भी कर लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपने क्या सपोज किया है। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये आपका क्वेश्चन है 16 एंड 36, हम सपोज कर लेते हैं थर्ड प्रपोजिशन है हमारा एक्स, ये कॉन्टिन्यूट प्रपोजिशन होंगे, तो रेशियो ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन एक्स, ये होगा फर्स्ट का रेशियो सेकेंड के साथ, सेकेंड का रेशियो थर्ड के साथ, इस तरीके से सॉल्व करेगा आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी। यह हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी ना कि अगर ए बी सी रेशियो में है, ऐसे है ए बी सी कॉन्टिन्यूट प्रपोजिशन है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिला था, एकदम वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, आप वो भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, 16x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 मीन्स x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 16। बाकी ये अब आपका काम है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 4 16 4 9 36 4 9 36 मीन्स x इज इक्वल टू 81 एज आंसर। क्लियर? नाउ सेम एज ट्राई टू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये है आपका सेकेंड पार्ट, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये फर्स्ट टर्म हो गए एंड एक्स अपॉन वाई आपका सेकेंड टर्म हो गए। मिस्टेक आपसे ये होगी, आप इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड सपोज कर लीजिएगा तो वैल्यू नहीं मालूम होगी। थर्ड वैल्यू आपको कुछ सपोज करना है, यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में टर्म दिया गया तो हम एक्स और वाई नहीं सपोज कर लेते, हम उसको एज ए पी सपोज कर लेंगे, पी की वैल्यू फाइंड करना है। सपोज योर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एज ए पी। क्लियर? नाउ रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज टू एक्स, इसका रेशियो किसके साथ, एक्स अपॉन वाई के साथ। क्लियर? एंड नेक्स्ट एक्स अपॉन वाई का रेशियो किसके साथ लेंगे, पी के साथ, आपको पी की वैल्यू चाहिए, आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, तो वो मेथड तो फर्स्ट पार्ट में बता दिया, सेकंड मेथड इसमें देख लीजिए। अच्छा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स पी मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन वाई मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर? नाउ एक्स वाई एज ए एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, पी की ना, पी की वैल्यू फाइंड करना है ना, पी आपने सपोज किया था एज ए थर्ड टर्म, तो अगर पी की वैल्यू निकालनी होगी तो पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, सो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा, सो कुछ कैंसिल हो रहा है, वाई पावर कैंसिल हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कुछ लोगों का दिल करेगा कि एक्स स्क्वायर को भी कैंसिल कर दें, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो आप एक्स की पावर को कैंसिल कर सकते थे। देखिए ये आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में था और यहाँ पे सिंगल टर्म में ये प्रोडक्ट के साथ है इस ब्रैकेट के, तो ये हमने मल्टीप्लाई को था इसलिए डिवाइड हो गया, बट यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो हम ये नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को कट कर दें। क्लियर? सो ये आपका थर्ड प्रपोर्शन फाइंड हो गया, एक्स क्यूब अपॉन वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? आप इसको और ब्रैकेट को चाहिए को ब्रेक कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस है। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म, ए प्लस बी सेकेंड टर्म एंड
एक्स यहाँ पे सपोज कर लीजिएगा एज ए थर्ड टर्म, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपको मेथड वही होना चाहिए जो ऊपर के दो क्वेश्चन लगे। आई होप थर्ड क्वेश्चन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फॉलोइंग 5 and 10। अब इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है आपको, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पहले मीन प्रोपोर्शनल टर्म फाइंड कैसे होगा ये इसको देखते हैं, समझते हैं बात को, फिर आएगी बात समझ में। सपोज कर लीजिए आपके पास दो नंबर है ए एंड बी, आपको बीच में ऐसा नंबर चाहिए जिसका रेशियो दोनों के साथ सेम हो जाए, ठीक है ना। हम सपोज कर लेते हैं ए एक्स एक्स एंड बी, ये रेशियो हो गया, या आप ऐसे कर लो ए एक्स एंड बी, एक्स एज ए मीन प्रोपोर्शनल टर्म हो गए। अब क्या होगा, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्लियर। ये टॉपिक भी पीछे हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया है। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, एक्स क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा, क्लियर। बस इसी एक्स की वैल्यू निकालनी, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन टर्म, क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फॉलोइंग 5 and 80। तो क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 80, स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। हम सॉल्व कर देते हैं फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, एक्स माइनस वाई एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू गिवन टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू टर्म। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करें कि सारे टर्म हमारे स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर से बाहर आ सकते हो तो बाहर आ जाएं। इसमें से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन, सो इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। स्क्वायर रूट में क्या होता है, कोई भी टर्म अगर पेयर के फॉर्म में होगा तो उसमें से सिंगल टर्म आप बाहर निकाल सकते हो, तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर में से सिर्फ एक्स बाहर आ जाएगा। सो मीन प्रोपोर्शन आपका कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई, ये भी रिजल्ट कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, डिपेंड करेगा आप क्या आंसर लिखना चाहते हैं। वैसे बुक में आपका जो फॉर्म आ रहा है वो ये है, एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स 16, 48, y आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपना समझिए, अगर से कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन तो एक्स अपॉन 16, देखिए एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 48 इज इक्वल टू 48 अपॉन वाई। तो अब इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को रेशियो को लीजिएगा, वहाँ से एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी, सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को लीजिएगा तो वहाँ से वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो ये अपना खुद से लगाइए हो जाएगा। इफ एक्स 9, y 16 आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वैसे क्वेश्चन है जो यहाँ पर है, नहीं समझ में आएगा तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, What number must be added to 3, 5, 7, 10 each in order to get the 4 number in proportion? इन सारे नंबर्स में क्या ऐड किया जाए, वो कौन सा नंबर सब में ऐड कर दिया जाए कि ऑल फोर्थ नंबर चेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूट फोर प्रोपोर्शनल, क्लियर। सपोज एक्स सपोज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स एंड 10 प्लस एक्स, है ना। लेट अस सपोज दैट वी एड ऑल एक्स इन ऑल द गिवन नंबर्स, देन न्यू नंबर विल बी 3 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स एंड 10 प्लस एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सपोज एक्स सब में ऐड कर दिए तो सारे नंबर क्या हो गए आपके, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन हो गए, ये इज इक्वल टू ये। अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, आप वैसे कर सकते हैं या डिवाइड कर दीजिए, रेशियो उनका सेम है तो। हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 3x 10x प्लस x स्क्वायर, सेम एज हियर ब्रेक द ब्रैकेट, 735 प्लस 5x प्लस 7x प्लस x स्क्वायर, क्लियर। x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके। नाउ 30 प्लस 13x,
30 प्लस 13x, एंड राइट साइड क्या हो जाएगा 35 प्लस 12x, 35 प्लस 12x। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए थी, तो 12x माइनस 13x कर लेंगे एक तरफ ऐसे, एंड 35 माइनस 30, सो x इज इक्वल टू 5 एज ए आंसर। मीन्स अगर सब में हम लोग 5 ऐड कर दें तो जो हमारा न्यू नंबर मिलेगा वो आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत इजी से लगाइएगा, एग्जाम में टाइम बचेगा तब आप चाहिएगा तो आंसर चेक कर लीजिएगा सब में एक्स की वैल्यू रख के, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर सो दे आर इन प्रोपोर्शन। अब जैसे व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड था वैसे मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड है, तो सपोज कर लें एक्स माइनस कर लिया, 28 माइनस एक्स, 53 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स एंड 35 माइनस एक्स, बिल्कुल वैसे प्रोपोर्शनल कर रख के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 14 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 112। फाइंड टू नंबर्स, ओके सपोज फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 14। मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होता है, अंडर रूट ए बी करके ना। अगर हम सपोज कर लें ए एंड बी आर टू नंबर, देन देयर मीन प्रोपोर्शन इज रूट ऑफ ए बी, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 112। जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, 112 होगा। गिवेन रूट ऑफ ए बी मीन्स मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर, सपोज टू नंबर ए एंड बी ना, देन मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर इज रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 14। मीन्स ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196। स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। और आपसे कहा गया है एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ देम इज 112, मीन्स ए बी एंड 112 आर इन प्रपोर्शन। मीन्स इसका क्या हो गया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन 112 ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 112 a = b² ओके। ये दो चीज़ें हो गई आपकी, अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए वो आपकी अपनी च्वाइस है कि आप क्या मेथड अप्लाई कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अगर से हम ऐसा कर दें कि यहाँ पे या तो b की वैल्यू ला के रख दें या तो a की वैल्यू ला के रख दें, तो आपको कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196 अपॉन b ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 112 तो ऑलरेडी है, ए इज इक्वल टू 196 अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मीन्स बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी क्यूब इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाइड बाई 196। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्लियर। सॉल्व करके देखिए कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है, बी की वैल्यू क्या आती है, जब बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम यहाँ पे ला कर रख देंगे तो हमको ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसको सही कर लेते, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर ओके। अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट का मतलब इसको इसका जो ग्रुप बनाएंगे वो थ्री नंबर्स का होगा, 112 मीन्स 8 इंटू 14 ओके, एंड 196 मीन्स 14 इंटू 14 योगे, बाकी वो आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर लो वो प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखा जा सकता है 2³ 8 की जगह पे एंड 14³ ना, मीन्स ये हो गए आपके 28³। बाकी वो आपकी अपनी चॉइस थी, आप किसी और मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए फाइंड कर लीजिए, सब रिजल्ट सही आएगा। सो बी की वैल्यू क्या होगी, 28 ना। अब बी की वैल्यू मालूम होगी, यहाँ पे ला कर रख दीजिए, ए बी इज इक्वल टू 196। वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू 196, मीन्स b इज इक्वल टू 196 अपॉन, सॉरी a इज इक्वल टू 196 अपॉन b, मीन्स 196 अपॉन 28। अब इसको डिवाइड कर दें अगर हम 14 से, 14 टू जो 14 फोर जो, सो a इज इक्वल टू 7। सो आंसर क्या हो गया आपके, नंबर्स कौन से हो गए, 7 हो गया एंड 28 हो गए। ऐसे दो नंबर होंगे जिनका मीन प्रपोर्शन 114 आएगा एंड थर्ड प्रपोर्शन 112 होगा। देखिए रूट ऑफ ए बी 14,
ए बी 196, बाकी वहाँ से बी की वैल्यू के लिए एक रिलेशन बनाया, और थर्ड प्रपोर्शन बी 112 था तो उसके लिए एक रिलेशन बना के सॉल्व कर लिए दोनों इक्वेशन को, आपको बी की वैल्यू 28 मिल गई और ए की वैल्यू 7 मिल जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ देम इज 144। सेम प्रोसेस सेम मेथड, बस नंबर का फर्क है, डिजिट चेंज हो गई, बाकी मेथड या क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो कोशिश करिए दोनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व होगा तो देखा जाएगा, बट पहले इसको सॉल्व करके देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, इफ पी प्लस आर इज इक्वल टू टी क्यू एंड 1/q प्लस 1/s इज इक्वल टू 2/r, ये दो वैल्यू गिवेन है, देन प्रूव दैट पी इज टू क्यू इज इक्वल टू आर इज टू एस। मीन्स आपको क्या निकालना, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, इस तरीके से निकल जाएगा तो हम कह देंगे वो प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 9th, अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट का, 9, 10, 11, 12, ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ये वैल्यूज आपकी गिवन है, तो इसको देखिए थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर रहे हैं, अगर इसको इसको आप लिख सकते हो क्यू प्लस क्यू ना, P प्लस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू, तो एक क्यू को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दें, P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जो गिवन है, इसको खाली हमने चेंज किया है फॉर्म, एंड आप देखिए वापस Q को इधर लो R को इधर लो, वही चीज़ बन जाएगी। इसमें हम 2/r को 1/r प्लस 1/r कर लें, तो इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए, 1/q माइनस 1/r एंड 1/r माइनस 1/s, क्या किया, सिर्फ इसको 1/r प्लस 1/r किया और दोनों को रीअरेंज कर लिया। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, क्यू आर एज ए एलसीएम, ये हो जाएगा आपका r माइनस क्यू, और ये हो गए आर एस एज ए एलसीएम, ये हो गए एस माइनस आर, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम और चेंज कर लें तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यू माइनस आर बनाना है ना, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर अपॉन क्यू आर, आपने माइनस कॉमन लिया, इधर से भी ऐसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आर माइनस एस अपॉन आर एस हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो वापस प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ एक साथ करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या है, क्यू माइनस आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो जहाँ पे क्यू माइनस आर है वहाँ पे आप पी माइनस क्यू रख सकते हैं, यहाँ पे रख दिया जाए पी माइनस क्यू, सिर्फ एक लाइन यही आपको समझना है, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन सॉरी आर एस, ये हो गए, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम पूरा पूरा सॉल्व कर देंगे और हमको मालूम हो जाएगा पी क्यू आर एस आपके प्रोपोर्शनल है, लेकिन उससे पहले कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई का साइन था, नाउ विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी एस, पी एस माइनस क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू एस, ये हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, सेम टर्म था, तो क्या बन गया पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन सॉरी आर अपॉन एस, बस हो गए, P is to Q is equal to R is to S, ये तो शो करना था, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कोशिश करिएगा फिर से समझने की, आप इसी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा टॉपिक क्या क्या किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ B इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन A एंड C, A एंड C, देन प्रूव दैट A C ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल। मीन्स आपको क्या करना है, इनका रेशियो सेम दिखाना है। क्या बोला है, इफ बी इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी का मीन प्रोपोर्शन कैसे होगा, अंडर रूट ए सी, वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ये गिवन है, गिवन मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी इज बी, ये क्वेश्चन में दिया गया है, आपको शो करना है ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल, अगर से ये प्रोपोर्शनल होंगे तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए, यही ना, रेशियो सेम आना चाहिए, मीन्स ए अपॉन सी, आपको ये भी तो प्रूफ करना है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, एक तरीके से आप कह दीजिए तो आपको ये मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। अब आते हैं इस रेशियो पे, पहले राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्लियर। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये होगा ना, स्क्वायर कर दिया जाए तो बी की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस खत्म, आंसर आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए सी एंड ए सी प्लस सी स्क्वायर, सो वॉट विल बी कॉमन फ्रॉम दिस टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ए एज ए कॉमन इन ब्रैकेट ए प्लस सी, हियर सी एज ए कॉमन ए प्लस सी, ए प्लस सी एज ए कॉमन टर्म, सो ए अपॉन सी, इट्स योर लेफ्ट हैंड साइड, ये तो शो करना है। देखिए ए अपॉन सी इज इक्वल टू आपको शो करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने उसको राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करते हुए लेके चले आए ए अपॉन सी के इक्वल, यानी कि ये ऑल फोर टर्म्स आर प्रोपोर्शनल। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका 10th था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।